कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज नाश्ते में बन रहा है पास्ता प्लस नूडल्स। ये मिक्स करके बनाने में ना और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि आज इस तरीके से ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये, आप भी मिक्स करके बनाइएगा। मैक्रोनी और नूडल्स दोनों ही है, सिंपली नमक और ऑयल डाल के पानी में मैंने उबाल लिया है, बस फटाफट से बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। में तेल, धुआं, अरे पहले काटी हम बोले आपको कि उसमें तो मैंने सिंपली दाल बना दिया है, राइस बना दिया है। ये रही राइस, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, ये राइस। और मैंने थोड़ा सा मतलब खड़े गरम मसाले वगैरह डाल दिए हैं ताकि खुशबू अच्छी आए। और आलू गोभी की सिंपली भुजिया और दाल बना दिया है मैंने, अरहर की दाल बनाई है मैंने, बस उसे तड़का लगाना है। हमारा खाना रेडी है, मैंने सैलेड भी ऑलमोस्ट कट करके रख लिया है। एक सेकेंड दिखाती हूँ, मैंने इसमें खीरा और प्याज कट करके रख लिया है और इस साइड में टमाटर, और इसे हम सब अभी रख देंगे फ्रिज में तब तक कि ये अच्छे से रहेगा, कि जब तक वो लोग आएंगे ठंडा रहेगा, अच्छा लगता है। उसके बाद बाकी जो भी ऐड करना होगा, मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है और बस अभी से ऐसे ही रख देंगे। भुजिया का कलर देख रहे हैं आप, ये भी एकदम ऑलमोस्ट बन चुकी है हमारी भुजिया भी, तो इसे हम लोग साइड करते हैं। और इसी में मैं दाल को तड़का लगाऊंगी और फटाफट से काम को ख़त्म करती हूँ। प्रणाम कर लो पहले, अब बोलेगा क्या? फाइनली दी आ गई, गाड़ी 3.5 घंटे लेट थी, इसका हालत खराब हो चुका है। बोली थी कि मुझे रोना आ रहा है, लिटरली ट्रेन लेट होता है ना तो सच में हालत खराब हो जाता है। फाइनली दोपहर का ट्रेन था कि लोग दोपहर में आ जाएगी, इन लोगों को आते आते शाम हो चुके हैं, 4:30 बज चुका है, अब बताइए। और कल ही हम लोगों को मॉर्निंग में निकलना है, तो बस अभी आए हैं, बहुत सारा एक्साइटेड है मन। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर सिर्फ रात भर के लिए, आई है दी, उसमें भी हम लोगों का मन नहीं मान रहा है, हम लोग को कुछ ना कुछ लेना ही है बाबू। तो किसी दो हम लोगों को कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी है, शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। अंधेरा इधर बाद में बात करूँ। अभी मैं दी को लेके आई थी बिहार दिवस घुमाने के लिए, बट मुझे नहीं लेके आना चाहिए था क्योंकि इतनी ह्यूज भीड़ है, मुझे लग रहा है सभी लोग आज ही आ गए हैं घूमने के लिए। तो मैंने बोला जब आ गए हैं तो एक राउंड मार लीजिए, बट यहाँ रहेंगे नहीं हम लोग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कितनी भीड़ है। हो सकता है मैथिली ठाकुर आज आने वाली है इसके लिए भी, या फिर आ गई है शायद, वही गाड़ी है मुझे नहीं पता, एक बार देख लेते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा। ठाकुर आने वाली थी इसलिए इतना भीड़ है, और वाकई वो इतना अच्छा गाना गाती हैं कि सभी उनके फ्रेंड हैं,
सभी उनको फॉलो करते हैं। मुझे भी पर्सनली मैथिली ठाकुर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ है। इधर लाइटिंग दिखाई है। कल मैं व्यंजन मेला में नहीं गई थी तो मैं होपफुली दी को भी दिखाऊंगी कि कैसा लगता है और मैं भी जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, यहाँ से निकलते हैं। एंटर करते हैं, यहाँ भी लग रहा है कि कुंभ का मेला लगा हुआ है, जाम ही है। देख लेते हैं पहले पैर रखने का जगह है भी कि नहीं। ट्रैफिक थी हम लोगों के आने के टाइम, हम लोग लिटरली ऑटो वाले से उतर के पैदल वॉक करते हुए गांधी मैदान आए थे, और अभी हम लोग घर जाने के लिए ऑटो ही नहीं मिल रहा था। तो वैसे तो वॉक करते हुए हम लोग निकलते, बट थोड़ा दूर पड़ जाता घर, तो इसलिए मैंने बोला रुकिए, वैसे भी लेट हो ही गया है। तो मैं अभी भी ऑफिस से घर आने वाले हैं, तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ कि हम लोग को रिसीव करते हुए चले थे। तो फेस देख रहे, इतनी धूल उड़ रही थी, इतनी ज़्यादा लोग, आज तो गाड़ी कम और लोग ज़्यादा दिख रहे थे। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा रिलीफ हुआ है, बट ऑटो वाले लग रहे हैं भाई साहब सभी पता नहीं कहाँ पे रोके हुए हैं, पुलिस वाले दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला इतना माथा नहीं अपना खपाते हैं, हम लोग वेट करते हैं, कॉल किया है वो आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ी से साथ में ही जाएंगे। यार टायर्ड हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं बयान ही कर सकती, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो बस थक भी चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, आएंगे उसके बाद हम लोग निकलेंगे। खाने में बना है कटहल आलू दम सैलेड, ये नहीं रोटियाँ, सबका प्लेट निकाल ली हूँ मैं, एक ही साथ हम सब बैठ के खाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, चम्मच ले लेना, कहाँ गया यार स्पून भी नहीं दिख रहा। ये देखिए ना सारा छेड़।